इम्पैक्ट अकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम देखते हैं लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे, जिससे क्या है उसे अपना जुड़ाव सा हो जाए, है ना। उसे ऐसा लगे कि हाँ वो अपना भाई ही था, थोड़ा सा पहले वो हो गया है टॉपिक है, ठीक है। इस रूप से हमने देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। जो एल्केन है, एल्केन, उसके बारे में आपने ध्यान किया था कि शुरू में आपने देखा था मिथी, मिथेन, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे, है ना। और एल्कीन के अंदर हमने देखा था कि इथीन, प्रोपीन, है ना, ब्यूटीन, इस तरह से। और एल्काइन के अंदर हमने देखा था इथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, इस तरह से हमने देखा था। अब देखो प्यारे बच्चों, पेपर में ये पूछ ले, मानो बिल्कुल आसान सा पूछ ले, और कि एल्केन का प्रथम सदस्य कौन था, कौन है, मतलब आपके पेपर में ये पूछ ले। हाँ, कार्बनिक रसायन में ऐसे पूछ ले एल्केन का, एल्केन का एल्केन का प्रथम सदस्य पूछ ले पेपर में, एल्केन का प्रथम सदस्य पूछ ले। और ये पूछ ले एल्कीन का प्रथम सदस्य, एल्कीन का प्रथम सदस्य का प्रथम सदस्य पूछ ले, ठीक है। फिर ये पूछ ले कि एल्काइन का प्रथम सदस्य, एल्काइन का प्रथम, एल्केन, आपको सभी को ध्यान होगा एल्केन, एल्कीन का भी आपको ध्यान होगा, फार्मूला CnH2n, एन एच टू एन, है ना, और एल्काइन का CnH2n-2, है ना। यहाँ पर क्या लिखना है हमने, एल्काइन लिखना है, एल्काइन, ये था हमारा फार्मूले, हमने देख लिए थे, दोबारा दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो एल्केन का जो प्रथम सदस्य है, एल्केन का प्रथम सदस्य है, ठीक है, क्लास 3 है। एल्केन का प्रथम सदस्य है, हम देखें तो आपको यह ध्यान रखना है प्रथम सदस्य है जो, वो है हमारा मिथेन, कौन सा है, मिथेन, मिथेन। तो मिथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, ठीक है। अब देखो एल्कीन है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के मध्य होता है, कार्बन कार्बन के मध्य होता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, द्विबंध की बात की जाती है ना एल्कीन के अंदर। तो हम देखते हैं जो कार्बन कार्बन के मध्य होगा तो नॉर्मल सी बात है, तो मिथीन तो होगा नहीं, मिथीन में तो, मिथ में तो एक ही कार्बन होता है, तो कार्बन कार्बन है तो वो तो दो के बीच में तो दो कार्बन तो होंगे, दो कार्बन होंगे तो पहला, जो पहला एल्कीन का प्रथम सदस्य होगा वो कौन होगा, इथीन होगा, कौन सा होगा, इथीन, ठीक है, इथीन। तो उसका फार्मूला क्या होता है, CH2, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य, यहां कार्बन कार्बन के मध्य है, कार्बन है। कार्बन कार्बन के मध्य है, ये कार्बन कार्बन का स्क्वायर दे है, ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य, ठीक है, यहां कार्बन कार्बन के मध्य है, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो, मध्य क्या हो, त्रिबंध, त्रिबंध का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो
तो हम देखते हैं वहां पर क्या हुआ। आप नॉर्मल सी बात देखनी है प्यार बच्चों, नॉर्मल सी बात है, कार्बन कार्बन के मध्य होगा तो इथ से शुरू होगा, इथ में दो कार्बन होते हैं तो यहां क्या होगा इथाइन होगा, क्या होगा इथाइन होगा, प्रथम सदस्य क्या होगा इथाइन। तो आप देखोगे सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो यहां पर सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच है। तो हमें पता चल गया कि अपना क्या है मुख्य रूप से ये इनके प्रथम सदस्य होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने हम जो हम कर रहे थे वो एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कर रहे थे और एक कर रहे थे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अपना कंप्लीट हो गया। फिर आप देखो हमने एक पॉइंट देखा था चक्रिक हाइड्रोकार्बन, है ना, एक देखा था ना चक्रिक हाइड्रोकार्बन, वो हमारा अभी रहता है। तो हम देखते हैं अभी हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में चक्रिक हाइड्रोकार्बन, चक्रिक हाइड्रोकार्बन मास्टर, हाइड्रोकार्बन अभी तक खत्म नहीं हुआ, हाइड्रोकार्बन तो बड़ा टॉपिक है इसका। मतलब देखो ये सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है हमारा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी कम से कम चार पांच छह क्लास तो होनी चाहिए, पांच तो कम से कम हो, छह क्या पता छह भी हो जाए, तो हमारे बहुत सारे टॉपिक होते हैं इसमें। मतलब हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ केमिस्ट्री का हमारा मोस्ट ऑफ पार्ट आ जाता है, क्योंकि इसी के अंदर जहां कार्बन होगा कार्बनिक हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसलिए कार्बन महत्वपूर्ण। देखो साबुन है, साबुन भी हम इसी में पढ़ेंगे, है ना। तो हम देखेंगे जो जितने भी पॉलीमर है, पॉलीमर मीन्स क्या है बहुलक, बहुलक मीन्स क्या है जितने प्लास्टिक वगैरह है वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। मतलब इसके अंदर बहुत सारे हमारे टॉपिक आ जाते हैं, डीजल है, केरोसिन है, कोयला है, पेट्रोल है, डिटर्जेंट है, ये सारे इसी के अंदर पढ़ने हमने, है ना। जो चक्रिक हाइड्रोकार्बन है, जो चक्रिक हाइड्रोकार्बन उसके बारे में हमने जानना है। देखो प्यारे बच्चों जो चक्रिक हाइड्रोकार्बन है उसके मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार होते हैं, कितने होते हैं दो प्रकार है। एक तो होता है हमारा होमो साइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमो साइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, जो होमोसाइक्लिक है इसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक को समचक्रिक, समचक्रिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन समचक्रिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और जो हेट्रोसाइक्लिक को हम बोलेंगे विषमचक्रिक हाइड्रोकार्बन, विषम चक्रिक हाइड्रोकार्बन। देखो जो समचक्रिक हाइड्रोकार्बन होता है और जो चक्रिक हाइड्रोकार्बन है इनके बारे में जो डेफिनेशन है वो आप सुन लो अभी। देखो जो साइक्लिक है इसमें मैंने बताया था जो कार्बन कार्बन है, साइक्लिक में क्या बताया कार्बन कार्बन आपस में अंतिम सिरे में जुड़े हो, कार्बन कार्बन के अंतिम सिरे आपस में जुड़े हो, है ना। कार्बन 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 के अंतिम सिरे, अंतिम सिरे आपस में जुड़े हो। सिरे मीन्स क्या एंड, है ना, अंतिम सिरे, सिरे मीन्स क्या है लास्ट एंड, है ना, लास्ट एंड, अंतिम सिरे आपस में जुड़े हो, आपस में जुड़े हो। मास्टर जी इसका डायग्राम सा बना दो, डायग्राम देखो प्यारे बच्चों इसके दो टाइप है, इनमें हम डायग्राम देखेंगे ए टू जेड, तो उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा और भी अच्छी तरह से आ जाएगा। अब देखो समचक्रिक हाइड्रोकार्बन के कौन से होते हैं, जो समचक्रिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको बोलते हैं जो कार्बन कार्बन के मध्य अन्य परमाणु ना आए, कार्बन कार्बन के मध्य अन्य परमाणु ना आए, और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य अन्य परमाणु आ जाए वही क्या होते हैं हमारे विषमचक्रिक होते हैं, वो देखना। अब अभी जो समचक्रिक है इसकी डेफिनेशन क्या हुई, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य स्क्वेयर कर देता हूं मैं इसका मतलब समझाना, कार्बन कार्बन के मध्य अन्य परमाणु ना हो, मध्य अन्य परमाणु ना हो, अन्य परमाणु ना हो, परमाणु ना हो। तो मैं एक डायग्राम सा बना देता हूं, जैसे जैसे एग्जांपल, जैसे ऐसे डायग्राम बना दिया मैंने, मानो ये है अपना, है ना, ठीक है, साइक्लो, इसको हम बोलते हैं साइक्लो, तीन कार्बन है तो हमारा हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन, एक दो तीन, है ना। तो इस तरह से यहां पर ब्यूटेन की बात करनी हो तो हमारा एक त्रिभुजा साइक्लोब्यूटेन आ जाएगा। इस तरह से हम देखें यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा,
यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, और यहाँ पर कार्बन होगा, और यहाँ पर भी कार्बन होगा। और यहाँ देखो जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य है, यहां पर क्या हो गया, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य मध्य अन्य परमाणु आ जाए, कि मध्य अन्य परमाणु आ जाए, परमाणु आ जाए, कार्बन कार्बन के मध्य अन्य परमाणु आ जाए, तो वही क्या होते हैं हमारे विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, जैसे प्यारे बच्चों हम ऐसे बनाते हैं, इस तरह से ये डायग्राम बना दिया है ना, एक ये डायग्राम हो गया, और एक मैं ऐसे बना लेता हूँ। आप कई बार जैसे आपने देखा होगा 9th क्लास में भी आता है अपना, जो नाइट्रोजन ग्रुप है हाइड्रोजन के साथ में ऐसे जुड़ा हो, थोड़ा सा रंग बदल लेता हूँ मैं, यहाँ ऐसे कर देता हूँ, ये नाइट्रोजन ग्रुप है ना, नाइट्रोजन ग्रुप है, यह हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ये ओ ओ है, ये ओ है, कभी ये सोचो कि कुछ और चीजें जुड़ गई, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा विषम चक्रीय हो गया, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य कोई अन्य परमाणु आ गया, कोई अन्य एटम आ गया, ठीक है। परमाणु मीन्स क्या है, एटम है, ठीक है, परमाणु मीन्स क्या है, कोई एटम आ गया, जैसे मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया, नाइट्रोजन जोड़ दिया, यहां पर क्या जोड़ दिया, कार्बन, यहां ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहां पर भी कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, होना क्या चाहिए, कार्बन कार्बन के अंतिम सिरे आपस में जुड़े हो, लेकिन यहां पर कार्बन कार्बन के अंतिम सिरे तो जुड़े हो, यहां पर भी जुड़ा, यहां पर भी जुड़ा आपस में, लेकिन बीच में क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, जुड़े तो हैं लेकिन बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और यहां पर बीच में क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, विषम चक्री, चक्रिक तो है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में अन्य परमाणु आ गए, यहां चक्रिक है, समचक्रिक है, समान है, चक्कर समान है, कार्बन कार्बन के मध्य है और चक्कर के रूप में है, तो इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, समचक्रिक बोल देते हैं, समचक्रिक हाइड्रोकार्बन। आप देखोगे समचक्रिक हाइड्रोकार्बन में, जो समचक्रिक हाइड्रोकार्बन के कई उदाहरण हैं आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जो यहां हेडिंग डाल देता हूं मैं, समचक्रिक हाइड्रोकार्बन के उदाहरण, थोड़ा समझ लेना बस, ज्यादा इसके बारे में ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं, समचक्रिक हाइड्रोकार्बन के उदाहरण बस, जिसे थोड़ा सा के उदाहरण, जिसे थोड़ा सा माइंड की डेवलपमेंट हो, और साथ में कभी पूछ ले तो आपका दिमाग क्लियर हो, और इससे हमारे बेस भी थोड़े से मजबूत होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं समचक्रिक हाइड्रोकार्बन में, मैंने आपको बताया था जो साइक्लोप्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो इस तरह से बना ले, तो साइक्लो पेंटेन का पूछ ले भाई, साइक्लो पेंटेन है, साइक्लो हेक्जेन का पूछ ले, तो वो सारी चीजें आपने देखनी, देखो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम देखते हैं, मानो इस तरह से आप साइक्लो में प्रोपेन का बता रहा था आपको, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, देखो साइक्लो हिंदी में और इंग्लिश में एक ही बात है, ठीक है, मुझे दो दो बार कष्ट मत करवाना, ठीक है, एक बार ही मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आगे इंग्लिश में लिख दूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं ये, है ना, ऐसे डायग्राम है प्यारे बच्चों। अब देखो ये किसका है, प्रोपेन का, एक साइक्लो ये कह दूं मैं इसकी, साइक्लो प्रोपीन का बताएं, प्रोपीन का, प्रोपीन, तो बस उसमें क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहां पर एक डबल बॉन्ड दे दिया, यहां पर कार्बन है, ये ध्यान रखना, कार्बन कार्बन है, कार्बन है, यहां भी कार्बन है, ये कार्बन है, यहां पर भी क्या है, कार्बन है, फिर यहां पर देखो एक और मैं लिख देता हूं, साइक्लो साइक्लो प्रोपाइन, प्रोपाइन प्रोपाइन लिख दिया मैंने, प्रोपाइन, साइक्लो प्रोपाइन, साइक्लो प्रोपाइन में आप देखो यहां पर, यहां पर हमने डबल बॉन्ड था, यहां ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, यहां पर भी क्या कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर कार्बन, कार्बन के मध्य क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। फिर उसके बाद में मैं एक और बना लेता हूं, जैसे मानो मैंने लिख दिया साइक्लो ब्यूटेन, लिख दिया साइक्लो ब्यूटेन, तो साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूट मीन्स क्या है, चार कार्बन, लो हम आयत नुमा एक संरचना बना देते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो आपको ध्यान में आ गया होगा साइक्लो साइक्लो ब्यूटीन लिख देता हूं मैं, साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन है, हम साइक्लो तो है, चक्रिक तो है, ब्यूटीन है, एक हम डबल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य एक डबल बॉन्ड बना देते हैं। फिर उसके बाद में साइक्लो साइक्लो पेंटीन,
साइक्लो ब्यूटाइन बना देते हैं, साइक्लो ब्यूटाइन, साइक्लो ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन में बस एक हम ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, बस एक ट्रिपल बॉन्ड ये बना दिया, यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड ये बना दिया। मतलब इस तरह से, इसी तरह से हम उसमें ले सकते हैं, यदि आप कहेंगे पेंटेन बोले तो पेंटेन में भी ऐसे ले लें, हेक्जेन बोलेंगे हेक्जेन में ले लें, साइक्लो ऑक्टेन बोल दें तो आठ बना लेंगे, ऑक्टेन संरचना आठ कार्बन कार्बन के मध्य बना लेंगे। मतलब इस तरह से हमारा क्या होता है, समचक्रिक हाइड्रोकार्बन होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं समचक्रिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, हमारा चक्रिक हाइड्रोकार्बन हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब ये इस तरह के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कई बार आपने ध्यान किया हो तो ऐसे पूछा जाता है कि एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड पूछा जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप ये सोचते होगे कि मास्टर ये क्या हमारे पेपर में आते हैं एरोमेटिक, कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आ सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड से कोई रिएक्शन पूछ लेंगे वो किस तरह से पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा, यहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हेडिंग तो मुझे यही डालना पड़ेगा, सीधा फैक्ट्स लिखवा दूंगा ना मैं, सीधा मैं ये लिखवा दूंगा मानो कि किन यौगिकों के अंदर है अनुनाद के कारण स्थायित्व आता है, तो आप सीधा लिखवा दूं मैं एरोमेटिक कंपाउंड, तो वो याद नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा उसमें याद करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि नेफ्थलीन क्या है, कौन सा यौगिक है, तो प्रो हमारा एंथ्रासीन है, कौन सा यौगिक है, या ये पूछ ले कि जो हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, तो उसकी खोज किसने की, इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक के अंदर देखो, आपने अक्सर ये ध्यान किया है कि एरोमा, एरोमा का मतलब क्या होता है, एरोमा, एरोमा का मतलब होता है एरोमा, एरोमा का मतलब होता है सुगंध, क्या होता है प्यारे बच्चों सुगंध, भाई सुगंध आपने देखा होगा भाई, इसकी तो एरोमा बहुत ही जबरदस्त है, तो इसका मतलब उसकी सुगंध क्या है, जबरदस्त है। ठीक है, उसकी सुगंध क्या है, जबरदस्त है, उसका मतलब ये है। तो हम देखेंगे जो एरोमेटिक जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं, उनकी सुगंध बहुत ही बेहतर होती है, उसकी सुगंध क्या होती है, बहुत ही बेहतर होती है। तो हम देखते हैं एरोमेटिक यौगिकों में जिनकी सुगंध बहुत ही अच्छी हो तो वही क्या होते हैं, एरोमेटिक यौगिक होते हैं, सुगंधित यौगिक ही हमारे क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। ठीक है, तो एरोमा है जो, एरोमा, एरोमा, एरोमा का अर्थ ही क्या होता है, एरोमा का अर्थ क्या है, सुगंधित, एरोमा का मतलब क्या है, सुगंधित, और जो सुगंधित यौगिक होंगे, सुगंधित यौगिक होंगे वही क्या होंगे हमारे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक यौगिक होंगे। आपको एक माइंड में पिक्चर बन गया भाई, एरोमेटिक है कोई कठिन चीज नहीं है, तो हम सुनते हैं खूब। तो हम देखते हैं जो एरोमेटिक यौगिकों की खासियत क्या है, ये अनुनाद के कारण ही, ये अनुनाद के कारण, अनुनाद है एक फिजिक्स में भी आता है, एक केमिस्ट्री में भी आता है अनुनाद, रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण ही, ये अनुनाद के कारण ही स्थायी होते हैं, कारण ही स्थायी होते हैं, स्थायी मतलब स्टेबल होते हैं, वरना ये स्टेबल नहीं होते, अनुनाद के कारण स्टेबल हो जाते हैं, के कारण ही स्थायी होते हैं। मास्टर जी अनुनाद क्या होता है, देखो अनुनाद क्या होता है, ये एग्जाम्पल हम देखें, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन में क्या है, देखो बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है मेरे बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है बेंजीन का। अब देखो इसमें ये स्थायित्व लाने के लिए, स्थायित्व लाने के लिए ये किस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह से, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, ये ऐसे ऐसे, मतलब एक बीच में गैप होना चाहिए, ये ऐसे भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अभी तो यहां पर डबल बॉन्ड आया है तो ये इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये क्या है, डीलोकेलाइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डीलोकेलाइज, मतलब कई बार ये इस तरह से बनेंगे और कई बार ये फिर इस तरह की संरचना बनाएंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, और इन्हीं रेजोनेंस, इनके डीलोकेलाइज हमारे स्ट्रक्चर होने के कारण, और ये क्या बन जाते हैं, स्थाई, स्थाई होते हैं। तो इसके बारे में बस इतना ही आपको जानना है। फिर उसके बाद में अगला हम देखते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ ले कि बेंजीन की खोज किसने की, बेंजीन की खोज है वो किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी, किसने की थी, माइकल फैराडे, एक यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बेंजीन की खोज किसने की, माइकल फैराडे ने। ठीक है,
और बेंजीन क्या है हमारा, ये बात ध्यान रखना, एरोमेटिक है। जितने भी हम देखते हैं, जितने भी आप जो मार्कर है जो अपने क्लासरूम में यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी बेंजीन होता है। उसमें आप देखोगे अजीब सी स्मेल आती है, तो उसमें बेंजीन की स्मेल आती है, माइकल फेराडे। लेकिन बेंजीन से कैंसर भी होता है, ठीक है, माइकल फेराडे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अन्य कुछ, ये पूछ ले कि निम्न में से एरोमेटिक यौगिक बताओ। देखो आपको मेरे बच्चों ये पता चल गया है कि हमारे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन 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 की चेन, हाइड्रोजन की चेन चेन है, ये तो हमारे क्या रहते हैं, मोस्टली क्या रहते हैं हमारे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, या हम इनको सिंपल कार्बन भी बोल देते हैं। लेकिन यहां पर जब एरोमेटिक यौगिकों की बात करें तो इसमें हम अक्सर याद करते हैं एक तो नेफ्थलीन को, नेफ्थलीन, एक एंथ्रासीन को, एंथ्रासीन को, एक टोलविन को, ठीक है, एक किसको याद करते हैं, टोलविन को। बेंजीन मैंने बता ही दिया, बेंजीन तो है ही अपना, एंथ्रासीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एक जाइलिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलिन, जाइलिन, जाइलिन के लिए कई बार कंफ्यूजन आ जाता है, जाइलिन का ये देख लेना इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं जाइलिन, ठीक है। नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, टोलविन हो गया, जाइलिन हो गया, और हमारा फिनोल हो गया, फिनोल, फिनोल भी क्या है हमारा, ओ एच बॉन्ड आ जाए तो क्या है, फिनोल हो जाएगा, फिनोल, और बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, ये आप है, सेम का सेम लिख दो प्यारे बच्चे। ये थे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। लिख दिया होगा आपने, आगे चलते हम। आगे चलते हैं, देखो कई बार थोड़ा सा सिंपल पूछना चाहे पेपर में, थोड़ा सा सिंपल पूछना चाहे तो आपको थोड़ा सा एक ये भी डायग्राम पूछा जा सकता है। देखो फिनोल है, मैंने बताया था भाई फिनोल में बस क्या है, बेंजीन के ऊपर है, ओ एच आ जाता है, ओ एच आ जाता है, बस ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, हमारा किसका है, फिनोल का है, किसका स्ट्रक्चर है ये, फिनोल का, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान कर लेना, बस थोड़ा सा एग्जामिनर है कुछ ऐसा पूछना चाहे। एक टोलविन का पूछा जा सकता है, टोलविन में बस इतना ही है, टोलविन में क्या आ जाता है, सी एच थ्री आ जाता है, क्या आ जाता है, सी एच थ्री, टोलविन में क्या आ जाता है, सी एच थ्री, बस ये आपको ध्यान रखना है, ये डायग्राम और बना लो टोलविन का, एक तो क्या है टोलविन का याद करना है बस, और एक फिनोल का याद करना है आपको, और एक्स्ट्रा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे, आगे चलेंगे हम, लिख दिया हुआ, बना दिया हुआ, आगे चलेंगे। ये था हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम बात करेंगे आगे, जितने भी हम अभी जो देख रहे थे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ महत्वपूर्ण यौगिक भी होते हैं, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हमारा टॉपिक अब है कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द कार्बन, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन टॉपिक है, अब देखो इंपॉर्टेंट कंपाउंड में हम सबसे पहले ध्यान कर लेते हैं सी एस थ्री ओ एच, तो सी एस थ्री ओ एच है,
ये क्या है हमारा? मिथेनॉल है, और क्या किसका यौगिक है? कार्बन का यौगिक है, सी एच थ्री ओ एच मिथेनॉल है। मिथेनॉल को हम क्या बोलते हैं? मिथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल है जो हमारा मिथेनोइक अम्ल, और इथेनोइक अम्ल जो जहरीली शराब है। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो है यूट्यूब पर, अपनी इंपैक्ट एकेडमी की यूट्यूब पर बहुत ही बेहतर वीडियो बना रखी है। जब आप प्ले लिस्ट खोलोगे तो प्ले लिस्ट पर इसमें बहुत ही अच्छी डिटेल में विजिट करना, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो हो, आप विजिट करना उनको, बहुत ही बेहतर बता रखा है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर और भी डिटेल में जब बिल्कुल ज़्यादा ही कोई एग्जाम आप जब कोई सीजीएल वगैरह का देखे, तो उसके अनुसार मैंने वो वीडियो बना रखे। देखो मिथेनॉल है, मिथेनोइक अम्ल है, तो सी एच थ्री ओ एच है, तो हम देखते हैं यही हमारी क्या होती है? जहरीली शराब होती है। क्या है? जहरीली शराब। व्यक्ति है इसके पीने से अंधा हो जाता है, शुरू में अंधा हुआ फिर बाद में मृत्यु हो जाएगी। आपने कई बार देखा हुआ कि कई व्यक्तियों की शराब पीने से मृत्यु हो गई, वही ये शराब वही है जहरीली शराब। कई बार जो मिथेनॉल है, इथेनॉल बनाते हैं लोग और बन जाती मिथेनॉल, और व्यक्ति में शुरू में वो पैग लगाएगा, एक पैग लगाया, दो पैग लगाया, और व्यक्ति के क्या हो जाए, सीधा तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। कई इसीलिए तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस शराब से आंखों में अंधापन आता है, तो आंखों में अंधापन के लिए कौन जिम्मेदार है? मिथेनॉल ही जिम्मेदार है, और इसी लिए इसका जो अंधापन है, और ज्यादा मात्रा में लेगा तो मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? यह क्या है? एक जहरीली शराब, इसलिए जहरीली शराब है। इसलिए जब भी कभी घर पे निकालें शराब, तो घर पे निकालने से पहले तो आस पड़ोस में अनवांटेड एलिमेंट होते ही है, खरपतवार होते ही है, उनको थोड़ा सा पिला के देख लेनी चाहिए कि ये जहरीली तो नहीं बन गई है। तो जहरीली बन गई है तो कोई बात नहीं है, उस पर टेस्ट भी हो जाएगा और कई व्यक्तियों की जान बच जाएगी, और वो अनवांटेड एलिमेंट था, खरपतवार था, तो चला जाएगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोझ है वो पृथ्वी पर थोड़ा सा कम होगा क्योंकि अनवांटेड एलिमेंट था। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर कार्बनिक यौगिक में, वो है हमारा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच। ठीक है, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल यही होती है पीने वाली शराब। क्या है? पीने वाली शराब। इसी को हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? इथाइल एल्कोहल। जो इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल, ये पूछ ले कि इसका क्वथनांक कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो पानी, हम देखते हैं ये क्वथनांक इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये पानी से पहले उबल जाती है, पानी से पहले उबल जाएगी। क्वथनांक है क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, पानी से पहले उबल जाएगी, इसलिए पानी में मिली होगी तो पानी से अलग करना आसान है। 78 डिग्री सेंटीग्रेड इसका कौथनाक होता है, इसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कौथनाक। कौथनाक मीन्स क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, इतने पर उबल जाएगी। केल्विन में पूछ ले, केल्विन में पूछ ले तो 273 ऐड कर दो, 273 क्या कर देंगे? डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ऐड कर देंगे, तो लगभग है 273 और ऐड करके आप देख लेना। तो हम देखते हैं, तो यह है हमारी, ऐड कर ही देता हूं मैं, 78 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में 273, तो लगभग हमारा क्या है, 8 और 3 11 और 7 1 5 और फिर उसके बाद में हमारा 3, तो 351 केल्विन आ गया। क्या आ गया? 351 केल्विन। लगभग क्या हो गया ये? 351 केल्विन इसका हमारा क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है प्यारे बच्चों। तो हम देखें केल्विन में इतना हो गया, मतलब ये पानी से जल्दी उबलेगी और इसलिए इसको अलग किया जा सकता है आराम से। वह प्रोसेस होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम कह सकते हैं इसको पानी से अलग करना हो, इसको पानी से, इसको पानी से अलग करना हो, अलग करना हो, या मतलब उसमें, क्योंकि पानी तो मिलेगा, नॉर्मल सी बात है, अलग करना हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा।
एक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे देखेंगे, उसके बाद में हमने आगे देखना है और क्या बात है इसे, इसका असर कहां पड़ता है। असर है ये ध्यान रखना है, इसका असर यकृत पर पड़ता है, यकृत पर प्रभाव पड़ेगा, यकृत पर प्रभाव। एक तो ये होता है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है यकृत का सिरोसिस किससे होता है, यकृत का सिरोसिस रोग है इसी से होता है, यकृत का सिरोसिस। यकृत मीन्स क्या, लीवर, लीवर का सिरोसिस रोग है। सिरोसिस मीन्स क्या, सिरोसिस बोलते हैं इंग्लिश में भी, यकृत का सिरोसिस होता है। और इससे और क्या होता है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट मस्तिष्क के सेरेबेलम पर प्रभाव पड़ता है इसका, मस्तिष्क के सेरेबेलम पर प्रभाव, सेरेबेलम पर प्रभाव। सेरेबेलम मीन्स क्या है, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम अनुमस्तिष्क पर प्रभाव, अनुमस्तिष्क पर प्रभाव, पर प्रभाव। और अनुमस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति क्या होगा, लड़खड़ा कर चलेगा और इससे व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है, इससे व्यक्ति का क्या हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, इससे व्यक्ति का संतुलन बिगड़ता है, व्यक्ति का संतुलन बिगड़ता है। किस विधि से तैयार किया जाता है, इसे तैयार किया जाता है, यह भी ध्यान रख लो, इसे इसे तैयार कैसे करें, तैयार करने की विधि लिख देता हूं मैं, तैयार करने की विधि। तो पेपर में सीधा पूछा जाएगा तैयार करने की विधि किण्वन प्रक्रिया द्वारा, तैयार करने की विधि है वो किस प्रक्रिया द्वारा की जाएगी, किण्वन विधि के द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा अलग किया जाएगा। किण्वन विधि कौन सी होती है, इसमें क्या होता है, शर्करा है, जो शर्करा 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 में जाइमेज इंजाइम, शर्करा में जाइमेज इंजाइम की उपस्थिति में, शर्करा में जाइमेज इंजाइम की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में इथेनॉल में बदलेगा, में इथेनॉल में बदलेगा, में बदले बदलेगा, ठीक है। यह विधि क्या कहलाती है, यह विधि किण्वन कहलाती है, यह विधि क्या कहलाती है, किण्वन, फर्मेंटेशन, यह विधि किण्वन कहलाती है। यह विधि किण्वन कहलाती है, ठीक है प्यारे बच्चों, यह विधि क्या कहलाएगी, किण्वन कहलाएगी। ठीक है, एक बार ये लिख दो आप, फिर हम आगे चलेंगे। लिख दिया हुआ, तो ये ध्यान रखना है आपने, जो हमारी विधि है शराब बनाने वाली विधि, तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं, किण्वन विधि। ध्यान से सुनना, ध्यान से आपको देखना है कि पहला पॉइंट हमारा क्या था, मिथेनॉल, मिथेनोई कमल, मिथेनोई कमल है जहरीली शराब होती है, आंखों में अंधापन होता है, ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। और इथेनॉल है ये हमारा और भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, पीने वाली शराब यही है, और इससे व्यक्ति का क्या है, व्यक्ति के यकृत पर प्रभाव पड़ता है,
लीवर इफेक्टेड होगा, लीवर में सिरोसिस रोग हो जाएगा और मस्तिष्क पर सेरेबेलम पर प्रभाव पड़ता है, और सेरेबेलम मानो में क्या है संतुलन बनाने का काम करता है, और व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा और व्यक्ति लड़खड़ा कर चलता है। माँ पिता जी दिखेंगे और एकदम सीधा चलने का प्रयास करेगा लेकिन सीधा नहीं चला जाएगा क्योंकि सेरेबेलम पर प्रभाव पड़ा है। तैयार करने की विधि क्या होगी, तो गुड़ लेंगे, शक्कर ले लेंगे, शर्करा ले लेंगे, या कई बार है चाशनी बच जाती, चाशनी ले लेंगे, चाशनी में जायमेन एंजाइम डालेंगे और इथेनॉल में बदल जाएगा वो, और वह विधि क्या कहलाएगी, किण्वन विधि कहलाएगी। और फिर उसके बाद में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, प्रभाजी आसवन, क्या होता है प्रभाजी आसवन, हिंदी में बताना भूल गया था, तो हिंदी में प्रभाजी आसवन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन से इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूं मैं इसको डिटेल में, थोड़ा सा और जिससे आपका क्लियर हो जाए। देखो क्या होता है, मानो आपने, ध्यान से सुनना, मानो आपने चाशनी ले ली, गुड़ ले लिया और इसको पानी में भिगो के आपने दबा दिया मटके में, ठीक है, पानी में मटके में दबा दिया। शराब बनवाना नहीं सिखा रहा हूं, कभी ये सोचो मास्टर ने यहाँ गलत सिखा रहे हैं, नहीं, अपने ये प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है केमिस्ट्री के अंदर। गुड़ में पानी डाला और मटके में दबा दिया, चाशनी ले ली, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चाशनी, कई बार आपने देखा हुआ हलवाई है अपने घर में, जब लड्डू जलेबी उतारे, बस जो शादी का बस लास्ट दिन होता है उसमें चाशनी बच गई, वरना उसके खुर में बनवा लेते हैं, तो उसने फिर आपने क्या किया, कहा कि भाई जो बराती वगैरह आएंगे, क्या और आएंगे रिश्तेदार, उसे हम चाशनी से बाजार से मार्केट से शराब लेके आएंगे, अपने ही बना लेते हैं, है? तो ऐसे प्लानिंग बना ली, चाचा जी ने बना ली, आपके बड़े भाई ने बना ली, आप तो बिल्कुल शरीफ हो, आप नहीं बनाओगे कभी ऐसी प्लानिंग, ठीक है। गुड़ व पानी है और कौन सा एंजाइम डाल दोगे, जायमे जिंजाइम डाल दोगे, क्या डाल देंगे, जायमे। ये यीस्ट की उपस्थिति में भी होता है, यीस्ट, यीस्ट का भी पूछा जाता है, यीस्ट है, यीस्ट की उपस्थिति में भी होता है, ठीक है, यीस्ट की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यह बदल जाएगा किस में, एल्कोहल में, एल्कोहल होगा और कुछ पानी भी होगा, ठीक है। अब एल्कोहल और पानी है वो मिक्स हो गया इसमें, है ना, और इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, किण्वन होगा, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ये अपनी तैयार हो गई शराब, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब इससे अलग कैसे करेंगे फर्मेंटेशन, अब फर्मेंटेशन ऐसे है, यहां पर आपने कोई ऐसे इसमें, ये तो मैंने जो लैब में आप करते हैं उसको लिया है मैंने, है ना, कोई टेस्ट ट्यूब टाइप से कुछ ऐसे ले लिया हमने, और इस रूप से, और यहां पर एक टेम्परेचर सेट करने के लिए थर्मोस्टेट भी लगा दिया। थर्मोस्टेट क्या होता है, तापमान को स्थिर रखता है, थर्मोस्टेट क्या करता है, तापमान को स्थिर रखता है, जिससे तापमान ना बढ़े, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट क्या करता है, ये ध्यान रखना, तापमान को स्थिर करता है, और तापमान को स्थिर करता है, और यहीं पर थर्मोस्टेट के पास में हमने ले लिया थर्मामीटर, जिससे अपने को पता चलता रहे कि थर्मामीटर है, हमने ले लिया थर्मामीटर, तापमान बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, थर्मामीटर, तापमान कितना रखना है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान कितना रखना है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और 351 केल्विन के आसपास रखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहां पर, यहां पर क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, और आपने ले लिया पानी, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, और इस तरह से जब उबलना शुरू होगा तो आपने कुछ इस तरह से यहां पर कुछ फिट कर दिया, और यहां पर एक तो इस तरह से आपने एक विधि उपयोग की, और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सारी सारी शराब 78 डिग्री सेंटीग्रेड वाली शराब है वो सारी आ जाएगी। जब पहले आती है तो हमारी क्या है, नॉर्मली अपने क्या करते हैं, कभी कई लोग निकालते हैं शराब, तो उसमें क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे कीप नुमा संरचना बना लेंगे, प्रात पुरुत लगा लेंगे, इस तरह का सिस्टम होता है, तो उसमें तो क्या है, कोई थर्मोस्टेट नहीं है, सीधा है शराब है, वो निकलेगी बाहर और शराब निकलेगी, तो उसमें जो शुरू शुरू में निकल आएगी उसको बोलते हैं पहले तोड़ की शराब, और फिर पानी और शराब मिक्स आ जाते हैं उसको बोलते हैं दूसरे तोड़ की शराब। पहले तोड़ की शराब के अंदर क्या होगा, एल्कोहल परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ द इथेनॉल इज मोर देन द सेकंड तोड़ शराब, ठीक है, मतलब दूसरे तोड़ की शराब से वो ज्यादा होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो हम देखते हैं अब आगे,
जो इथेनॉल है वो दो प्रकार की होती है। इथेनॉल कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक होता है सांदर, क्या होता है? सांदर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड। कौन सी होती है? कंसंट्रेटेड। एक होती है तनु, डाइल्यूट। जब डाइल्यूट की बात आ जाए, ये बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, डाइल्यूटेड की बात आ जाए, कंसंट्रेटेड की और डाइल्यूट, इसमें क्या होता है? पानी मिला होता है, पानी मिला होता है। तनु का मतलब क्या है? पानी मिला होता है, मिला। ऐसे लिख देता हूं मैं, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा। कंसंट्रेटेड, हायर कंसंट्रेटेड होगा तो उसमें तो पानी बिल्कुल कम होगा, लेकिन इसमें हम देखें तो इसमें पानी की मात्रा कम है, इसमें पानी की मात्रा कम है, मतलब 40 से 60% तक इथेनॉल होता है इसमें, 40 से 60% तक क्या होता है? इथेनॉल। और यहां पर अमाउंट ऑफ इथेनॉल होता है 6 से 12% तक, 6 से 12% तक क्या होता है? इथेनॉल होता है। यहां हिंदी में लिख देता हूं, वहां इंग्लिश में लिख गया इथेनॉल, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे जो जो 40 से 60% तक इथेनॉल है, इसमें कौन 65 तक भी ले सकते हैं, कभी ये सोचोगे भी 65 तक नहीं ले सकते, 65 तक भी लेते हैं, बहुतों में होती है 65 तक। जो आप देखोगे जो आर्मी के जवान है जो शराब लेंगे तो, और जो ठंडे क्षेत्रों पर जो शराब होगी वो थोड़ी सी आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी, 65 तक ले लेते हैं उसको, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उसको 65 तक लेते हैं, उसको क्या ले लेते हैं? 65 तक ले लेते हैं, ठीक है, कभी ये सोचो। फिर हम देखते हैं 40 से 65% तक जो इथेनॉल है वो कौन सी आती है, जैसे ब्रांडी आ गई है ना, ब्रांडी है, रम आ गई, रम है, विस्की आ गई, तो ये सारी शराबें हैं, ये क्या रहती है, इनमें 40 से 65% तक इथेनॉल होता है। जो तनु वाली जितनी भी बियर है, जितनी जो शैम्पेन है, कई लोग है ना जो पार्टी वगैरह होती है तो शैम्पेन उड़ा देते हैं, वो शैम्पेन है वो, उसमें बहुत ही कम, और इसलिए वो सस्ती होती है थोड़ी सी शराब की तुलना में। बियर है, बियर की एक बोतल और उसका कुछ अंतर तो होगा, मुझे पता नहीं है, वो कुछ तो मिलेगा क्योंकि इथेनॉल है। फिर उसके बाद में कई लेडीज वगैरह भी, जैसे बुकों में लिखा हुआ है कि लेडीज है जो आजकल है वो पीती है, सेडोन आती है, वो कौन सी आती है? सेडोन, कुछ इस टाइप से आती है सेडोन, ठीक है। तो ये देखेंगे वो क्या है, हमारा इथेनॉल है जो विदेशों में पीती है लेडीज, वहां क्यों पीती है? देखो भारत में पीना और जो शराब है विदेशों में ज्यादा पीते हैं, भारत में जो ठंडे प्रदेशों में है, जो सियाचिन में ड्यूटी आती है सेना की, वहां थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अंदर का वहां पर पी लेते हैं लोग। तो विदेशों में नॉर्मली क्या है, ठंडे प्रदेश है वहां पर, तो वहां ले लेते हैं, और भारत में भी उनको देखो देख रिवाज रिवाज शुरू हो गया, लेकिन यहां पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। भारत आपको पता है ये भेड़चाल का सिस्टम है यहां पर। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आगे, ये तो हमारे शुरू में हमने पढ़ा मिथेनॉल, फिर उसके बाद में इथेनॉल, कार्बनिक यौगिक में। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर वो हमारा फॉर्मल्डिहाइड, क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे HCHO, मिथेनल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मिथेनल, मिथेनल इसको, और क्या बोलते हैं? फॉर्मी फॉर्मी एल्डिहाइड। थक गए हो क्या? बोर्ड, थोड़ा रेस्ट कर ले तुम, ये पता नहीं क्या होने लग जाता है। थोड़ा रेस्ट कर ले, हो गया होगा रेस्ट। हो गया होगा रेस्ट, सही है। अब इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये बोर्ड में कई बार
बुरा मान जाता है ये, कहा मास्टर इतना लिखता है पेज भर देता है इतने इतने। तो हम देखते हैं मिथेनल से, बस आपने इतना ही याद करना है, HCHO है, मिथेनल है, ये भी हमारा क्या कार्बनिक यौगिक है। एक होता है मिथेनोइक, मिथेनोइक एसिड, वो बस इतना आता है, यहां पर क्या कर देते हैं चौथे नंबर पर HCOOH कर देते हैं बस, उसमें वही इतना ही अंतर अंतर है। उसको बोलते हैं मिथेनोइक अम्ल, क्या बोल देते हैं मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। यहां पर मिथेनल था, फॉर्मेल्डिहाइड था, इसको बोल देते हैं मिथेनोइक अम्ल। और आपको ध्यान होगा मिथेनोइक अम्ल ही हमारा क्या है फॉर्मिक अम्ल है, क्या है फॉर्मिक अम्ल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल चींटी के काटने पर, लाल चींटी पर कौन सा अम्ल होता है, लाल चींटी पर यही होता है, लाल चींटी पर, लाल चींटी पर बात की जाए तो लाल चींटी पर कौन सा अम्ल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ओ सॉरी मिथेनोइक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, ठीक है। पांचवें नंबर पर हम बात करते हैं, पांचवें नंबर पर यहां पर जैसे HCOH है ना, यहां पर कर देंगे CH3, यहां पर H की जगह क्या कर देंगे CH3COOH, तो मिथेनोइक है, इसको बोल देते हैं एथेनोइक अम्ल, क्या बोल देते हैं एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल बोल देते हैं। और इसी को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, क्या बोल देते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग किसमें करते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सिरके के अंदर, जो किसके अंदर है सिरके के अंदर है, इसका उपयोग किया जाता है, विनेगर बोलते हैं इसको, सिरके में इसका उपयोग, सिरके सिरका में उपयोग, सिरका क्या है विनेगर बोला जाता है, क्या बोला जाता है विनेगर, विनेगर में इसका उपयोग किया जाता है। आप ये ध्यान रखना जो भी विनेगर होगा सिरका होगा उसमें 4% से सिरके में, ये ध्यान रखना सिरके में, सिरका में 4% से कम एस्टिक अम्ल नहीं लिया जाता, से कम एस्टिक अम्ल नहीं लिया जाएगा, अम्ल नहीं लिया जाता। मतलब मानो आपके ये पेपर में ये पूछ ले सिरके में एस्टिक अम्ल, ये आता है पेपर में, सिरके में एस्टिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है, 1%, 2%, 3%, 5%, कितनी ले सकते हैं, तो 5% तो हमारा ठीक है। मतलब मोस्टली आपने देखा हो जब सिरके में तो एग्जाम में आता है तो मोस्टली क्या पूछ लिया जाता है 10% के आसपास पूछ लिया जाता है, 8% के आसपास पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मतलब 4% से कम कभी भी नहीं हो सकता, एग्जामिनर को यह पता होता है और इसी अनुसार पेपर सेट करता है। छठे नंबर पर हम बात करेंगे, जो छठे नंबर पर वो हमारा एसीटोन होता है, कौन सा होता है एसीटोन, एस्टोन है, बस जो ऐसे फार्मूला CH3 और C डबल बॉन्ड ऐसे, मतलब ये हमारा क्या है, यही क्या है एसीटोन को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है एसीटोन को, ठीक है। दोनों तरफ हमारे क्या होंगे CH3, इसी को हम क्या बोल देते हैं एसीटोन। एसीटोन आपने देखा हो, अरे भैया सही चलो ना, थोड़ा रह गया बस, थोड़ी देर और चल बाबू, थोड़ी देर और चल। एसीटोन, एसीटोन है, आपने देखा हो कई बार मोबाइल शॉप पर जाते हैं और मोबाइल वाला मोबाइल को साफ करता है वो एसीटोन से करता है, तो एसीटोन का उपयोग इस रूप से, और उड़ जाता है वो जल्दी, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको छोटे उपकरणों की सफाई के लिए उपयोग, छोटे उपकरणों की सफाई के लिए, की सफाई के लिए। ठीक है, एक है कई बार वैसे पूछ लिया जाता है थायोमिथेन, वो फार्मूला है, सीधा फार्मूला याद करना है थायोमिथेन का, CH3SH, एस है यहां पर सल्फर है, क्या ये पूछ ले कि निम्न में से में किसमें सल्फर होता है, थायोमिथेन का फार्मूला ये थायोमिथेन, और ये बात ध्यान रखना इसमें सल्फर होता है, इसमें सल्फर होता है, इसमें सल्फर होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे थायमिथेन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या होता है सल्फर होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपने ध्यान किया होगा क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म है बेहोश करने के लिए, एनेस्थेटिक के लिए प्रयोग किया जाता है, और इनको रंगीन बोतलों में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाएगा। रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, मानो कोई व्यक्ति है देखो बेहोशी के लिए उपयोग किया जाता है, यदि इसको खुली हवा में छोड़ देंगे ना तो इसका जहर बन जाएगा,
क्लोरोफॉर्म खुली हवा में कौन सी गैस बना लेता है? यह भी क्वेश्चन पूछा, यदि खुले में रखने पर इसको फोजीन गैस बना लेता है, बहुत ही विषैली होते हैं, कौन सी गैस? फोजीन, फोजीन गैस है, COCl2 इसका फार्मूला होता है, और इसलिए इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। यह भी आपको बात ध्यान रखनी है। आठवें नंबर पर हम बात करेंगे, वो है CHCl3, यह भी कार्बन का यौगिक है, कार्बन है इसके अंदर, तो CHCl3 इसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है जो हमारी क्लोरोफॉर्म, इसको यह निश्चेतक के लिए उपयोग करते हैं। निश्चेतक, निश्चेतक, निश्चेतक मीन्स क्या? बेहोशी के रूप में उपयोग, के रूप में उपयोग इसको हम बोलते हैं एनेस्थेसिया। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें एक पॉइंट और है, इनको रंगीन बोतलों में रखा जाता है, इनको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। यह खुली रखने पर, यह खुली रखने पर, रखने पर फोजीन, फोजीन गैस बना लेती, फोजीन गैस बना लेती। फोजिन गैस बना लेती है, क्या बना लेती है? फोजिन गैस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फोजिन गैस है हमारी बहुत ही घातक गैस रहती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फोजिन गैस क्या है हमारी? बहुत ही घातक गैस है। और हम देखते हैं इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या है? COCl2। ठीक है, फार्मूला क्या है? COCl2। और ये क्या है? फोजिन गैस क्या है? विषैली गैस है। विषैली गैस है। ठीक है, ये लिख दो आप, जल्दी लिखें। ठीक है, लिख दिया हुआ। तो ये बात ध्यान रखनी आपने कि क्लोरोफॉर्म का आजकल है उपयोग नहीं करते, एनेस्थेसिया के रूप में पहले उपयोग करते थे, आजकल तो क्या है रीढ़ की हड्डी के अंदर एक टीका लगाते हैं, रीढ़ की अंदर। कई बार तो क्या होता था, डॉक्टर है कहा कि क्लोरोफॉर्म सुंघाएंगे, बेहोश करेंगे, और परसेंटेज ऑफ, या हम कहें कि अमाउंट ऑफ परसेंटेज का पता नहीं था, और उसको सुंघा देते थे और व्यक्ति चला जाता था, और कहते थे ऑपरेशन के दौरान चला गया। तो इस रूप से ये क्लोरोफॉर्म बहुत ही घातक है। घातक तो जो टीका लगाया जाता है ना वो भी होता है, लेकिन हम देखते हैं, लेकिन हम देखें तो उसका एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट तो उसके भी होते थे, लेकिन उसके अंदर हमेशा है वो गैस है, फोजीन गैस ना बन जाए कुछ इस तरह से डर रहता था। ठीक है, तो मानो टेक्निकल एक्सपर्ट ने कुछ गड़बड़ कर दियो और फिर व्यक्ति चला जाए, तो इसलिए हम देखते हैं ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आजकल है एनेस्थेसिया के रूप में बहुत ही कम कोई करता होगा तो बहुत ही रेयर चांस होंगे। ठीक है, हमारी आठ गैस है ये कार्बनिक यौगिक के रूप में। एक और देख लेते हैं, नौवां पॉइंट एक और देख लेते हैं, कार्बनिक यौगिक के रूप में गैस और कंपाउंड हम सारे देख रहे हैं, गैस भी देख रहे हैं और हम कुछ ऐसे यौगिक भी देख रहे हैं, कुछ तरल पदार्थ भी देख रहे हैं, कार्बन के यौगिक होने चाहिए। ठीक है, आपने भोपाल के अंदर सुना हुआ एक मिक गैस, मिक गैस, मिक गैस है ये भोपाल के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध। देखिए MIC है ये, मिक गैस क्या है? MIC, मिक, मिक गैस।
मिक गैस, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड। ठीक है, बहुत ही भयंकर गैस, मिक गैस। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी? यही भोपाल गैस त्रासदी में, भोपाल गैस त्रासदी के अंदर यही गैस रिलीज हुई थी, और लगभग आप देखो लगभग 15,000 लोग मर गए थे, लगभग 15,000 लोग। आप ये देखो बहुत ही, इतनी भयंकर गैस है क्या 15,000 व्यक्तियों के मार दे, लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, कितनी भयंकर गैस रही होगी। तो ये कौन सी कंपनी थी? आपने एंडरसन एंडरसन का नाम सुना होगा, ब्रिटेन के अंदर भाग गया था उस समय पर, और यह घटना 3 दिसंबर 1984 की है। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, कीटनाशक बनाती थी भारत के अंदर। 3 दिसंबर 1984 की बात है, 3 दिसंबर 1984 की। और कंपनी कौन सी थी? कंपनी भारत में आप देखो कितनी सस्ती मार दिए जाते हैं लोग, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, और यूनियन कार्बाइड कंपनी है क्या बनाती है? कीटनाशक बनाती है। और आप ये देखो दुनिया में उस कंपनी पर इतना कोई खास है, लोगों ने निंदा की, और सारा सारा कंपनी जिम्मेदार थी, और वर्तमान में भी वहां पर इफेक्ट है भोपाल में, कभी जाकर देखोगे तो बहुत ही बुरा इफेक्ट है। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी और क्या बनाती है? कीटनाशक बनाती है, क्या बनाती है? कीटनाशक, कीटनाशक की कंपनी। ठीक है, फिर और क्या खास है इसमें? कई बार पेपरों में फार्मूला पूछ ले कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो CH3 इसका फार्मूला रहता है N यहां लगा देते हैं, N CH3, ये ध्यान रखना है, N डबल बॉन्ड, और इस तरह से एक हमारा दिखा देते हैं इसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, तो हम देखते हैं CH3N CN, तो हम देखेंगे मुख्य रूप से ये इतनी भयंकर गैस थी कि व्यक्ति के फ्यूम बने थे, बहुत सारे लोगों के तो फ्यूम बन गए थे, मिथाइल आइसोसाइनाइड है, बहुत ही भयंकर है, तो मिक गैस के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, मिक, ठीक है प्यारे बच्चों, एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, हम देखें 10वें नंबर पर। देखो पावर अल्कोहल जो होता है, पावर अल्कोहल की हम बात करें, पावर अल्कोहल, उसमें 80% तो पेट्रोल होता है, क्या होता है? 80% तो पेट्रोल, और 20% इथेनॉल होता है। 20% क्या है? इथेनॉल। भारत में शुरू में 2% इथेनॉल मिलाने की अनुमति, फिर 5% इथेनॉल, अभी 10% इथेनॉल है वो अलाउ है, वो कर दिया जाएगा, और इस तरह से भारत के अंदर वर्तमान में अनुमति है कि इथेनॉल कितनी बनाए कंपनियां। और पानीपत के अंदर हम देखते हैं इथेनॉल बनाने का, और करनाल के अंदर भी इथेनॉल बनाने का तो एक सिस्टम है शुरू करने की, इथेनॉल करनाल के अंदर तो शुरू करने की योजना बनाई है, और पानीपत के अंदर है वो शुरू करने की सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है। तो हम देखते हैं यदि ये इसी तरह से पूरे देश के अंदर है, जल्द से जल्द शुरुआत कर दे, घोषणा घोषणा नहीं है, जल्द से जल्द शुरुआत कर दे और इथेनॉल बनाना शुरू कर दे, और लार्ज स्केल में इथेनॉल बनाए, तो इससे हमारा जो देश का जो पेट्रोल है वो 20% पेट्रोल है वो कम आएगा भारत के अंदर, और हमारा 20% पैसा बचेगा। इससे क्या फायदा रहता है? यह जो पावर अल्कोहल है यह क्या करता है? एक तो एफिशिएंसी ज्यादा देता है, कि एफिशिएंसी क्या देगा? ज्यादा देगा, मतलब इंजन की क्षमता को भी बढ़ाता है, इंजन की क्षमता को बढ़ाएगा, इंजन की क्षमता बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ेगी इंजन की क्षमता बढ़ेगी, और क्या करता है? प्रदूषण कम करेगा, और ऊर्जा ज्यादा देगा, मतलब इससे हमें ऊर्जा भी क्या होती है? ज्यादा मिलती है, ऊर्जा ज्यादा मिलेगी,
मतलब कह सकते हैं ईंधन है जो फ्यूल है, ये पावर एल्कोहल फ्यूल, ईंधन इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, यह ईंधन ज्यादा ऊर्जा देता है, यह ईंधन ज्यादा ऊर्जा देता है, ईंधन फ्यूल ज्यादा ऊर्जा देता है। ब्राजील में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग है, ब्राजील में बहुत ही ज्यादा उपयोग, ब्राजील में बहुत ज्यादा उपयोग, ब्राजील में ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों।